कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अलर्ट। 24 आईसीयू बेड सहित 10 प्राइवेट वार्ड किए गए आरक्षित। आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अलर्ट। 24 आईसीयू बेड सहित 10 प्राइवेट वार्ड किए गए आरक्षित। आपको बता दें कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। इसे डेल्टा प्रकार से ज्यादा इफेक्शियस बताया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट के सामने वैक्सीन की डोज भी बेअसर होगी। इसे लेकर प्रशासनिक अमला अलर्ट मोड पर है। वहीं एसएस मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने भी अंदर ही अंदर अपनी तैयारी को लेकर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया है। इसके लिए वार्ड आरक्षित किए जा रहे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की माने तो इस संबंध में अभी किसी प्रकार की गाइडलाइन नहीं आई है। उसके बावजूद अपने स्तर से तैयारी की जा रही है और वरिष्ठ चिकित्सकों से विचार विमर्श किया जा रहा है। प्रबंधन का यह भी कहना है कि जिले को पूरी तरह से कोरोना मुक्त नहीं माना गया है। इसके लक्षण से मिलते जुलते कभी कभार केस भी मिल रहे हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। फिलहाल संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वार्ड के बजाय न्यूमोनिया वार्ड बनाया गया है, जहां रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी के मरीजों को भर्ती कर उपचार प्रदान किया जा रहा है। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर की आहट को लेकर रेलवे स्टेशन में यात्रियों के सैंपल जांच कई दिनों से करवाए जा रहे हैं। आईसीयू के 24 बेड आरक्षित। जानकारी के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर से निपटने आईसीयू के 24 बेड आरक्षित किए गए हैं। वहीं प्राइवेट वार्ड को भी इसके लिए आरक्षित करने की तैयारी की जा रही है। प्राइवेट वार्ड में 10 बेड है। इस तरह से इसके लिए कुल 34 बेड उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि केस बढ़े तो तृतीय तल को करेंगे आरक्षित। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अलर्ट मोड पर है। प्रस्तुत है मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर से प्राप्त जानकारी के अंश। हाँ, अभी वर्तमान में जो गाइडलाइन आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में ये स्प्रेड हुआ हैगा, वहाँ पर एक तरह से एपिडेमिक के रूप में आया हैगा, और लोग वहाँ जैसे माइग्रेट हो रहे हैं तो अन्य हमारे जो प्रदेश है महाराष्ट्र और कर्नाटका वगैरह में ये लोग आए हैं, तो इन लोगों को जो गाइडलाइन के हिसाब से क्वारंटाइन किया जाना है। और सेकंड, जो हमारे हॉस्पिटल का जहाँ तक सवाल है, तो हम लोग अभी भी जो 24 बेड आईसीयू के आइसोलेशन आईसीयू के रूप में यूज़ कर रहेंगे, और वर्तमान में हम वहाँ पर जो भी सस्पेक्टेड केसेस होते हैं, जिन लोगों को निमोनिया होता है, उन लोगों को हम रख रहे हैं। तो अभी भी हमारे पास जो आईसीयू बेड है, हम लोगों ने 24 हमारे पास सुरक्षित रखेंगे नॉन कोविड आईसीयू के अलावा। सर, ये पहले की जैसी यदि स्थिति निर्मित होती है तो क्या इंतजाम किए गए अपने यहाँ? हमारे यहाँ पर जो जिस तरह से पहले कोविड की जो हमारी थी व्यवस्था दूसरी लहर की, उसी तरह से फिर हम लोग हमारे यहाँ पे जो तृतीय तले जो वार्ड ABC हम लोगों ने सुरक्षित रखा था, जिसमें अभी हम लोग नॉन कोविड पेशेंट रखा है, वो हम लोग उसको खाली करा के द्वितीय तल में सर्जरी जो यहाँ पे अभी संचालित है वहाँ रख लेंगे। सर, ये पहले की अपेक्षा कितना खतरनाक है अभी का जो? हाँ, अभी तो जो हम लोगों को खबर हमको मिल रही है वो हमारा जो डेल्टा वेरिएंट है उससे भी अधिक इसकी जो इन्फेक्शियसनेस है वो अधिक है। लेकिन कुछ हमको ऐसे भी जो डाटा मिल रहे हैं कि उसकी जो घातकता है वो उतनी नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने जाना है साउथ अफ्रीका के जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा। इसके लिए लोगों को क्या राय देंगे आप? मतलब अभी यही है कि हमें कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है कि कोविड ख़त्म हुआ है, तो कोविड के जो अनुरूप जो हम लोगों को पालन करना है उसका पालन सबको करते रहना चाहिए। सर, बच्चों को जैसे टीका नहीं लगे हैं, लगभग अभी तक कुछ लोगों, बड़े लोग को तो डोज लग भी गए, पर बच्चों के लिए क्या घातक हो सकता है, कितना क्या? बच्चों के अभी शासन ने बच्चों के लिए ऐसा कोई वैक्सीनेशन का वो शेड्यूल हमें नहीं दिया है, तो हम लोग उनके जो पेरेंट्स हैं इन लोगों को ही हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि वो लोग वैक्सीनेटेड हो जाएं, क्योंकि उन लोगों को संभावना एडल्ट से आएगी। अगर हमारी पूरी सोसाइटी एडल्ट जो 18 से ऊपर है वो अगर वैक्सीनेट हो जाए तो फैलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे, इस तरह से हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे।